आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नॉर्मल एंड टेंजेंट का कम्प्रेहेंसिव पार्ट सेकंड। देखिए फर्स्ट पार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व किए थे, आइए क्या पार्ट टू की देखते हैं। देखिए पार्ट टू में हमने क्या है, दो यहाँ पे फार्मूले लिखे हैं। दोनों फार्मूला क्या है, पोलर सब टेंजेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर होता है, और क्या टेन फाइव इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। अभी क्या है, पार्ट फर्स्ट में इसका फुल यूज किए हैं। अब देखिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व के लिए y माइनस स्मॉल y इज इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स कैपिटल x माइनस स्मॉल x। इसके अलावा क्या है, दो तीन फार्मूले और हैं, उसका जहां जरूरत पड़े उस हिसाब से आपको बताते रहेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट हमारे एक्सरसाइज का है। देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, फाइंड द पोलर सब टेंजेंट ऑफ द इलिप्स एल बाई आर इज इक्वल वन प्लस ई कॉस थीटा। जब आपको पूछ रहा है पोलर सब टेंजेंट, आप जानते हैं पोलर सब टेंजेंट इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। कहने का मतलब यह है कि एल बाई आर जो है यह हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको बताए थे, जब भी क्या है इसमें LHS में RHS में यदि पावर में हो गए या तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में रहेंगे, सबसे पहले दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। लॉग लेने के बाद आप क्या है डी थीटा बाई डी आर, या कहेंगे डी आर अपन डी थीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे। डी आर करेंगे मतलब R का डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तब आपको मिल जाएगा डी आर अपन डी थीटा। सारे वैल्यू ला के इसमें पुट कर देंगे, वही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, पोलर सब टेंजेंट के। आइए यहाँ पर दिया गया है हमारा क्या है सोल्यूशन में, Given that L by R is equal to 1 plus E cos theta। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो नीचे से लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग लेने पर। देखिए टेकिंग लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, अब देखिए लॉग लेंगे लॉग एल बाई आर, लॉग इन ब्रैकेट में एल बाई आर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इधर हमारा हो जाएगा लॉग ब्रैकेट वन प्लस ई कॉस थीटा, हो गया हमारा। हमने दोनों साइड का लॉग ले लिए, अब करना क्या है, लॉग का कंडीशन लगा देंगे, लॉग एम बाई एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, तो एम के पोजिशन हमारा एल है, एन के पोजिशन पे यह है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेंस log m by n is equal to log m और माइनस log n। इस तरह से हमारा यह हो गया बराबर log m माइनस log n के। अब देखना यह है कि इसमें आप इस यूज करेंगे तो यह log l हो जाए, नीचे लिखेंगे देन log l माइनस log r और इक्वल टू log इन ब्रैकेट में 1 प्लस ई कॉस थीटा है, हो गया। जब इतना आपको मिल गया है उसके बाद करेंगे इसका डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, नीचे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट ऑन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग का करेंगे एल हमारा कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, लिखेंगे जीरो माइनस इसका करेंगे तो लॉग का सबसे पहले करेंगे तो वन अपान आर हो जाएगा, फिर आर का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में डी आर अपान डी थीटा और इक्वल टू, यहाँ देखिए लॉग लॉग के सामने जो उसका कोएफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वन अपान वन प्लस ई कॉस थीटा और इन ब्रैकेट में आ जाइए, वन का करेंगे जीरो हो जाएगा और यहाँ पे आ जाइए ई तो कांस्टेंट हो जाएगा, ई तो बाहर हो गया, अब कॉस थीटा करेंगे माइनस साइन थीटा होता है इसलिए माइनस की गुणा प्लस कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, साइन कॉस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, अब ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। आपके पास मिल रहा है माइनस वन बाई, देखिए माइनस है या माइनस यहाँ पे है, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा वन बाई आर डी आर अपान डी थीटा और इक्वल टू ई साइन थीटा और अपान वन प्लस ई कॉस थीटा, आ गया। इतना कहने का मतलब है कि वन बाई आर
डी आर अपान डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है, पोलस सबटेंजेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप भी नीचे से लिखेंगे, नीचे से लिखेंगे वी हैव या लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट द पोलर सबटेंजेंट, द पोलर सबटेंजेंट टेंजेंट इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर और क्या होता है डी थीटा बाई डी आर, डी थीटा बाई डी आर। अब ध्यान दीजिए आर स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं क्या, आर आर लिखेंगे डॉट आर डी थीटा अपान डी आर, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब देखना यह है कि यह किसके बराबर है, यदि इसे हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, आर ऊपर का दे रहे हैं और डी थीटा बाई डी आर का देंगे, तो वन प्लस ई कॉस थीटा अपान ई साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाई दैट, इसे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, तो आर डी थीटा अपान डी आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा और पूरे के अपान कितना जाएगा ई साइन थीटा, साइन थीटा। आप देखिए r d थीटा बाई डी आर के यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और r के इक्वल क्या आपको दिया गया है, यहाँ पे r इज इक्वल टू यहाँ से निकाल लेंगे r इज इक्वल वन प्लस ई कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा l हो जाएगा, ये वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर देंगे। तब आपके पास हो क्या जाएगा, नीचे से लिखेंगे नाउ नाउ पोलर सबटेंजेंट, पोलर सबटेंजेंट टेंजेंट इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ के आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर के वैल्यू यहाँ से निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिखेंगे आर इज इक्वल टू एल बाई वन प्लस ई कॉस थीटा, कैसे इतना हो जाएगा, आर का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इधर कर रहे हैं और वन प्लस ई कॉस थीटा यहाँ से रिप्लेस करेंगे, यहाँ कहाँ चला डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में एल हो जाएगा, एल पान वन प्लस ई कॉस थीटा हो जाएगा आर के इक्वल। अब देखना यह है कि आर के पोजीशन पे हम पुट करेंगे एल पान, एल पान वन प्लस ई कॉस थीटा और फिर इंटू आ जाइए आर डी थीटा बाई डी आर इक्वल कितना है, वन प्लस ई कॉस थीटा पान ई साइन थीटा, वन प्लस e cos थीटा अपान e sin थीटा, ये वैल्यू हमने क्या है फार्मूले दे जाके पुट कर दिए हैं। अब आपको करना क्या है, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से यदि कोई टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे देखिए वन प्लस ई कॉस थीटा हमारा क्या न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारा क्या वन प्लस ई कॉस थीटा है, सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाए कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल कर दीजिए, हमने कैंसिल कर दिया, क्या बच रहा है पोलर सबटेंजेंट, पोलर सबटेंजेंट इज इक्वल टू बच रहा है एल अपान और ई साइन थीटा, इसे क्या करिए बॉक्स में कर लीजिए। देखिए यही मुझे कह रहा था फाइंड द पोलर सबटेंजेंट ऑफ द इलिप्स एल बाई आर इज इक्वल वन प्लस ई कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ गया एल अपान ई साइन थीटा, नीचे से लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यही हमारे क्या अभिष्ट हल हो जाएंगे, विच इज द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड सोल्यूशन, सोल्यूशन यही हमारा क्या हो जाएगा अभिष्ट हल हो जाएगा। आइए क्या है अब आगे अगला इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या कह रहा है, फॉर द पैराबोला टू ए अपन आर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा देन प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट आपको कह रहा है फाइ इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा बाई टू, सेकेंड पार्ट कह रहा है पी इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा बाई टू और थर्ड कह रहा है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर और हमारा फोर्थ पार्ट क्या है पोलर सबटेंजेंट इज इक्वल टू टू ए कोसेक थीटा। देखिए इतना आपको दिया गया इतना मुझे सिद्ध करना है और देखिए यहाँ पर पोलर सबटेंजेंट की बात कर रहा है, पोलर सबटेंजेंट के लिए आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर का फार्मूला यूज करेंगे और यहाँ पर आपको कोण पूछ रहा है, एंगल के लिए टैन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, कहने का मतलब है यह है इसे जब हम कन्वर्ट कर देंगे कॉट, देखिए टैन को कन्वर्ट कर देंगे तो किस में कॉट में तो कितना हो जाएगा कॉट फाई इज इक्वल टू
वन पान आर डी आर पान डी थीटा हो जाएगा, मतलब कि आर का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वह हमारा किसके बराबर हो जाएगा, टैन फाई का कब होगा, जब डी आर पान डी थीटा में वन बाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे तब। आप देखिए यहाँ पे आपको दिया गया टू ए पान आर इजकल वन माइनस कॉस थीटा है। पहला इसे देख लेते हैं सोल्यूशन में, देखेंगे सोल्यूशन सोल्यूशन लिखेंगे, गिवन दैट टू ए पन आर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा हो गया इतना। अब देखिए कॉस थीटा का ऐसा फार्मूला बताइए और जो कि यह हमारा वन क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। आप जानते हैं क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू यह फार्मूला होता है। और एक होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, थीटा बाई टू माइनस वन होता है, जब माइनस में माइनस गुणा कर दिए एक एक तो कैंसिल नहीं होगा बल्कि जुड़ जाएगा, तब यहाँ पे साइन का फार्मूला यूज करेंगे तो एक एक क्या कैंसिल हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या वन वन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास बराबर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। और ध्यान ये दीजिए यहाँ पे दो हैं, ये दो से हमारे ये दो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा ए पान आर इजकल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब ध्यान दीजिए ये तो दो दो कैंसिल हो गया, तो इसे हटा दीजिए। अब देखना यह है साइन स्क्वायर थीटा बाई टू है, ये आर का मल्टीप्लाई इधर कीजिए और साइन स्क्वायर नीचे भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे एम्प्लाई दैट ए अपान साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इजक्वल टू आर हो गया। और यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए साइन है ना न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक में हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आर इजक्वल ए कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू हो गया। अब देखिए करना क्या है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है आपको क्या है फाई स्क्वायर, देखो आर का क्या करेंगे ए बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे, तो कॉस थीटा के बराबर होगा। यहाँ से नीचे लिखेंगे वी नो दैट टैन फाई इक्वल टू आर डी थीटा पान डी आर, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले को हम समझ के इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स वी गेट इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स वी गेट इसका डिफ्रेंशिएट करने पर, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा डी आर पान डी थीटा, डी आर पान डी थीटा इजकल टू, ध्यान दीजिए एक कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे कोसेक के जो पावर होगा पावर करेंगे, दो यहाँ पे दो पहले आ जाएगा दो, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा बाई टू हो जाएगा। और ध्यान दीजिए अब कोसेक का करेंगे, कोसेक जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो होता है कोसेक थीटा इनसे कॉट थीटा होता है, देखेंगे कोसेक थीटा बाई टू और इंटू कितना हो जाएगा कॉट थीटा बाई टू और इंटू, अब थीटा बाई टू का करेंगे, थीटा का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो उसकी वैल्यू वन हो जाएगा और जो बट्टे दो है वह क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पे वन बाई टू आ जाएगा, इस दो से यह दो हमारे क्या कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ए एक कोसेक मिल के क्या हो जाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू क्या हो जाएंगे कॉट थीटा बाई टू। इस तरह से हमारा क्या है डी आर अपान डी थीटा इजकल टू आ गया ए कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू और क्या आ जाएंगे इंटू कॉट थीटा बाई टू हो जाएगा। और इसके बाद ध्यान ये दीजिए जब हम क्या कोसेक करते हैं तो माइनस में आता है, तो यहाँ पे हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया डी आर अपान डी थीटा इजकल टू माइनस ए, माइनस यहाँ पर दिखाइए माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू कॉट थीटा बाई टू। अब देखना यह है कि आपको वैल्यू किसका निकालना है, तो सबसे पहले पॉट फर्स्ट की बात करेंगे, देखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट टैन फाइव इक्वल टू आर डी थीटा अपन डी आर,
अब देखिए बराबर इसे लिख सकते हैं 1/r और फिर 1/dr/dθ। अब यहाँ पे क्या है, dr/dθ की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, tan phi इज इक्वल टू 1/r। अब देखिए r इज इक्वल टू कितना है, r इज इक्वल टू हम निकाल चुके हैं, r इज इक्वल टू a cosec स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे a cosec स्क्वायर थीटा अपॉन टू। और ध्यान दीजिए यहाँ पे dr/dθ है, ये 1 के अपान में लिए हैं तो आप भी इसे लिख सकते हैं 1/dr/dθ। dr/dθ कितना है, माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू, माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू और इनटू कॉट थीटा अपॉन टू। ये सारे वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिए। अब देखना यह है कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कैंसिल होते हैं। और देखिए यहाँ पे टेन फाई ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें क्या है फाई की वैल्यू निकालना है, फाई इक्वल टू क्या सीधे करना है π-θ/2। तो इसका मतलब यह है यदि r की वैल्यू इस तरह से आप पुट करेंगे थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा इंटरचेंज कर ले रहे हैं, r की वैल्यू कितना है a cosec स्क्वायर थीटा बाई टू और ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या dθ/dr है, देखिए dr/dθ है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितना इतना है, जब इसे कन्वर्ट कर देंगे तो ये 1 के अपान हो जाएगा, इंटू लिखेंगे इंटू 1/-a cosec स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू cot θ/2 हो गया इतना मान। अब जो कैंसिल उसे कैंसिल कर दी, a से a कैंसिल हो जाएगा, एक cosec स्क्वायर थीटा बाई टू कैंसिल, बच क्या रहा है -1/cot θ/2। अब cot को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan phi = -tan θ/2। अब देखिए माइनस किस में होता है, अब ये tan phi है हम इसे लिख सकते हैं tan पाई और माइनस, माइनस मतलब कि सेकंड क्या है हमारा क्वाड्रेंट में जाएगा, जब सेकंड में चतुर्थांश में जाएगा तो इसमें क्या टेन क्या माइनस हो जाएगा, π-θ/2 हो गया, यह किसके इक्वल है tan phi के इक्वल है। अब देखना यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे tan tan से और phi से, तो phi इज इक्वल टू कितना π-θ/2 हो जाएगा, तो नीचे से यहाँ से लिखेंगे phi = π-θ/2, इसे क्या करें बॉक्स में कर दीजिए, नीचे लिखें हैंस प्रूव्ड। इस तरह ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, तो यहाँ से आप जाएंगे ऐसे इस तरह से अंडरलाइन करके अलग सेपरेट कर लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट था कि वो हमारा कंप्लीट हो गया, आइए सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए हमारा सेकेंड पार्ट क्या था, p = a cosec θ/2 मुझे सीधा करना है, इतना आपको दिया गया है। जब इलिप्स है तो आप जानते भी होंगे सेकेंड पार्ट के लिए, देखेंगे सेकेंड पार्ट, देखेंगे वी नो दैट p = r sin φ होता है, यह हमें पता है इलिप्स में कि p = r sin φ होता है, या कहेंगे sin φ = p/r होता है। पी हमारा क्या, पी और आर ये हमारा क्या है, यह हमारा एक बिंदु है उस जहाँ पे क्या 90 अंश का कोण बनाता है, और यह हमारा क्या है रेडियस वेक्टर है। अब देखिए रेडियस इसे कह सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है sin φ = अब देखिए sin φ यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, p = r, r = a cosec² θ/2। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए a cosec² θ/2, और यह ध्यान दीजिए sin φ तो sin तो रहेगा, अभी φ = आप सीधे किए हैं π-θ/2 होता है, तो यहाँ लिखेंगे π-θ/2
टू। क्यों ऐसा करें ध्यान दीजिए, इसमें थीटा बाई टू मांग रहा है, फाई नहीं है कहीं, तो इसकी फर्स्ट का हेल्प लेकर सेकेंड पार्ट को हम प्रूफ कर लेंगे। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, बराबर ए कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू और इंटू साइन साइन पाई माइनस द्वितीय में जाएगा, द्वितीय में साइन साइन प्लस होता है तो साइन थीटा बाई टू हो जाएगा, रेशियो चेंज नहीं होता है हमारा, साइन थीटा बाई टू। और साइन थीटा बाई टू एक के पान ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इम्प्लाई दैट पी इज इक्वल टू ए कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू वन अपान कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा बाई टू, स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि साइन के पावर वन है इसलिए कोसेक के पावर वन होगा, एक से पार्ट से एक पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए कोसेक थीटा बाई टू। यह हमारा जो सेकेंड पार्ट था, सेकेंड पार्ट यहाँ पे प्रूफ हो गया। नीचे लिखेंगे हैंस प्रॉब्लम, हैंस प्रॉब्लम जिसे हम क्या कहते हैं इति सिद्धम। इस तरह से क्या हुआ, हमारा फर्स्ट पार्ट इधर प्रूफ हो रहा है, सेकेंड पार्ट हमारा यहाँ से प्रूफ हो रहा है, वी नो दैट से पी इज इक्वल टू आर साइन फाई से। आइए इसका पार्ट नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए हमारा पार्ट थर्ड क्या कह रहा है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर सिद्ध करना है। इसके लिए पार्ट थर्ड के लिखे हैं, थर्ड के लिए सॉल्यूशन देखिए थर्ड में लिखेंगे वी नो दैट वी नो दैट पी इज इक्वल टू आर साइन फाई। यह होता है पी इज इक्वल टू आर साइन फाई। अब देखना है पी के बराबर मुझे सिद्ध करना है ए आर करना है। अब आपको करना क्या है, फाई की वैल्यू यहाँ पे देखिए, फाई इज इक्वल टू होता क्या है, पाई माइनस थीटा बाई टू है और ध्यान दीजिए यहाँ पे आर दिया गया है, इसके अलावा हमारा क्या आर है तो आर के सबसे पहले बराबर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए लिखेंगे एंड आर इज इक्वल टू ए कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू। ये आप सिद्ध कर चुके हैं, आर इज इक्वल टू ए कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू होता है। आप कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू इक्वल टू कितना, जो ए को रिप्लेस करेंगे तो आर पान ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू आ गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये इसमें क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, अंडर रूट में आर अपान ए इज इक्वल टू कोसेक कोसेक थीटा बाई टू। अब देखिए यहाँ पे थीटा बाई टू वैल्यू निकालेंगे, नीचे लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में फाई इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा बाई टू, तो थीटा बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई माइनस फाई हो जाएगा। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कोसेक कोसेक पाई माइनस फाई, तो कोसेक में इसे चेंज करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर अपान ए किया क्या बराबर चल रहा है तो यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक पाई। जानते हैं पाई पे हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता है, तो इस तरह कोसेक कोसेक रहा है, माइनस है माइनस के द्वितीय में चला जाएगा तो कोसेक फाई हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक फाई। अब देखिए जब कोसेक हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वन अपान लिखेंगे, अंडर रूट आर अपान ए इज इक्वल टू वन अपान साइन फाई हो गया, साइन फाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो साइन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपान आर हो जाएगी, ये क्या होगा हमारा अंडर रूट में होगा। इस तरह से हमारा साइन फाई की वैल्यू आ गया। अब यही वैल्यू आर की और साइन फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो यहाँ पे पी इज इक्वल टू देखेंगे एम्प्लाई दैट, और ध्यान दीजिए पी इज इक्वल टू आर आर के इस पोजीशन पे क्या पुट करेंगे, आर इज इक्वल टू देखेंगे पी इज इक्वल टू पे लिखिए पी इज इक्वल टू आर तो रहेगा और इसके साथ साथ यहाँ पे दिया क्या है साइन फाई, साइन फाई के स्थान पे क्या पुट करेंगे, अंडर रूट ए अपान आर हो जाएगा। अब करेंगे क्या, इसे इस अंदर ले चले जाएंगे आर को तो कितना हो जाएगा, पी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर और ए अपान आर हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पी इज इक्वल टू अंडर रूट ए आर हो गया। और ध्यान दीजिए जब यहाँ पे क्या है स्क्वायरिंग दोनों साइड ले लेंगे तो ये वर्गमूल हमारा ये अंडर रूट हट जाएगा, देखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड
देखिए दोनों साइड की स्क्वायर ले लेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, ये पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर इजकल टू ए आर। देखिए यही मुझे क्या करना था, सीधा करना था, नीचे लिखेंगे हैंस प्रॉब्लम, हैंस प्रॉब्लम। इस तरह से हमारा क्या हुआ, इस क्वेश्चन नंबर का तीसरा जो पार्ट था हमारा क्या कंप्लीट हो गया। आइए चौथे पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट पूछ रहा है पोलर सबटेंजेंट इजकल टू ये कोसेक थीटा। देखिए पोलर सबटेंजेंट इजकल टू आप जानते हैं आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर होता है। तो यहाँ पे सारे वैल्यू हम ला के यहाँ पर पुट करेंगे, नीचे से लिखेंगे, यहाँ से फोर्थ पार्ट लिखेंगे, द पोलर सबटेंजेंट इजकल टू आर स्क्वायर डी थीटा पान डी आर होता है। अभी आप निकाल चुके हैं आर की वैल्यू और क्या है डी थीटा बाई डी आर, डी आर पान डी थीटा की वैल्यू, ये सारे वैल्यू लाके इसमें पुट कर दीजिए। देखिए आर की वैल्यू हम दिखा दे रहे हैं, आर इजकल टू यहाँ पे दिया गया है एक कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू पुट कर लेंगे, और डी थीटा बाई डी आर हम तो यहाँ पे इरेज कर दिए हैं, आप लोग देख के बताइए कितना है डी थीटा बाई डी आर। देखिए यहाँ पे हमारा आर इजकल टू एक कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू है, यहाँ पे लिखेंगे आर, लिखेंगे वी हैव आर इजकल टू एक कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू एंड डी आर पान डी थीटा इजकल टू माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू और इंटू कॉट थीटा बाई टू, इतनी वैल्यू है। यही सारे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका पोलर सब प्रेजेंट आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे देन सबटेंजेंट सबटेंजेंट इजकल टू कितना हो जाएगा, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर है पावर फोर थीटा बाई टू हो जाएगा, और फिर इंटू आ जाइए और इंटू के डी थीटा बाई डी आर है तो इसे क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे, तो ऊपर डी था क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी आर, तो वन अपान लिखेंगे वन अपान, देखिए यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं है, अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट आ रहा है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे तो माइनस ए, और यहाँ पे क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू कॉट थीटा बाई टू हो गया। देखिए पावर चार है तो यहाँ पे दो बचेगी, स्क्वायर से स्क्वायर हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर से हमारा क्या एक एक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और बच क्या रहा है आपके पास ए कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू और पूरे के अपान, यहाँ बच रहा है माइनस ए और कॉट थीटा बाई टू, इसे चेंज कर दीजिए साइन कॉस में, जब साइन कॉस में चेंज करेंगे देखिए माइनस ए तो कैंसिल हो चुका है, माइनस ए कैंसिल हो चुका है, यहाँ केवल माइनस बचेगा कॉट थीटा बाई टू, अब कोसेक चेंज करेंगे वन अपान साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होगा, और यह क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू, तो इसे हम चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे, ए तो रहेगा माइनस ए, ये वन अपान साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ध्यान दीजिए इसे चेंज करेंगे कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई टू, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस ए अपान साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, तो यहाँ पे लिखेंगे इजकल टू माइनस ए अपान साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, यही हमारा क्या जाए पोलर सबटेंजेंट के इक्वल है। और इसे छोटा आंसर लाना चाहते हैं आप न्यूमरेटर में दो से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर में दो से कीजिए, और करने बाद नीचे देखें टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा, तो यहाँ पे आप ये फार्मूले में क्या कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो आप आसानी से कर सकते हैं कि हम यहाँ न्यूमरेटर में दो से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और दो से क्या कर दे डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा माइनस टू ए और इंटू वन अपान साइन थीटा। अब यह इसे साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा, तो इस तरह से बराबर माइनस टू ए कोसेक थीटा, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।
देखिए कौन सा पार्ट था, चौथा पोलस स्मारक पार्ट नंबर 4 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इस तरह से क्या है एक कंप्रीहेंसिव प्रॉब्लम। सेकंड का क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट हमारे क्या हो गए, पूरा हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। और इसी के साथ हमारा क्या हुआ, आज कंप्रीहेंसिव पार्ट सेकंड का जो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड के चार पार्ट थे उसके फर्स्ट एक ही क्वेश्चन था, यह आज हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे संबंधित जो हमारे क्वेश्चन और बच रहे हैं ये कंप्रीहेंसिव प्रॉब्लम सेकंड का आपको अगले वीडियो में देंगे।